सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नमस्कार, मैं अश्विनी शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवी की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुशी से पहला पाठ, भारती वसंत गीत। भारती वसंत गीति एक गीत है जिसे लिखा है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी के प्रसिद्ध गीत संग्रह काकली से इसे लिया गया है। इस गीत में पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मां सरस्वती से प्रार्थना की है कि हे मां सरस्वती, आप ऐसी वीणा बजाएं जिससे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नई प्रेरणा का संचार हो सके। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तुत पाठ का सरलार्थ, अन्वय और अभ्यास में आए हुए प्रश्न। तो आइए पढ़ते हैं प्रस्तुत गीत को, भारती वसंत गीत। पहले उसका सस्वर वाचन करते हैं। निनादे नवीनामये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीति लीना। निनादे नवीनामये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीति लीना। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती हसरसारसाला। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती हसरसारसाला। कलापाललित कोकिला काकलीना निनादे नवीनामये वाणी वीणा। निनादे नवीना अये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीति लीना। वहति मंद मंदं समीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। वहति मंद मंदं समीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीना नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीना। निनादे नवीनामये वाणी वीणा निनादे नवीना अये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीति लीना। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। स्वनन्तिन्नतिं प्रेक्ष मलिनामलीना स्वनन्तिन्नतिं प्रेक्ष मलिनामलीना। निनादे नवीनामये वाणी वीणा निनादे नवीना अये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीति लीना। लतानां नितान्तं सुमन शान्तिशीलं चले दुच्छले तांत सलिलं सलीलं। तवा कर्ण्य वीणा मदीनां नदीना तवा कर्ण्य वीणा मदीनां नदीना। निनादे नवीनामये वाणी वीणा निनादे नवीना अये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतिं ललित नीति लीना। आइए अब प्रस्तुत पाठ के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। निनादे नवीनाम अये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम। निनादे, निनादे का अर्थ है बजाओ। नवीनाम नई, अये वाणी वीणाम, वीणा को बजाइए।
अये वाणी, हे वाणी माँ, हे माँ सरस्वती। यहाँ माँ सरस्वती से आराधना की गई है कि हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, और मृदुम गाय गीतिम, मधुर गीतों को गाइए। ललित नीति लीनाम, जो सुंदर नीतियों से परिपूर्ण हो। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती ह सरसा रसाला। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, जो इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से युक्त है। वसंते लसंती ह सरसा रसाला, जो सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां हैं वो सभी आपके समक्ष सुशोभित हो रही हैं इस वसंत ऋतु में। कलापाह ललित कोकिला काकलीनाम, कोकिला काकलीनाम, जो कोयलों का समूह है वो आकर्षक कूक कर रहे हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं। इसलिए हे माँ वाणी, हे माँ सरस्वती, आप अपनी वीणा को बजाइए। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। वहती, बह रही है मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे नीर के साथ, हल्के हल्के बिंदुओं की, जल बिंदुओं के साथ वायु बह रही है। कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, कलिंदात्मजा, कलिंदात्मजा कहा गया है यहाँ पर यमुना को। यमुना के तट पर सवानीर तीरे, यहाँ पर लताओं से घिरे हुए तट पर जल बिंदुओं से युक्त वायु धीरे धीरे बह रही है, जिस कारण नताम पंक्तिमालोक्य मधु माधवी नाम, जिस कारण मधु माधवी लताएं जो हैं फूलों से झुकी हुई हैं उनको देखकर हे माँ सरस्वती निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। मलय पवन से स्पर्श किए हुए कोमल पत्तों वाले वृक्षों और पुष्पों आदि पर काले वर्ण वाले भौरों का गुंजार करती हुई स्वनंतिम नतिम प्रेक्ष मलिनाम मलिनाम, काले वर्ण वाले भौरों का गुंजार करती हुई उस पंक्ति को देखकर हे माँ सरस्वती, आप अपनी वीणा को बजाइए। लतानाम नितांतम सुमन शांतिशीलम चले दुच्छले कांत सलीलम सलीलम। हे माँ सरस्वती, आप ऐसी वीणा बजाइए जिसे सुनकर लताओं के जो शांत सुमन हैं, पुष्प हैं, वो हिल उठें, और चले दुच्छले कांत सलीलम सलीलम, जो नदियों का स्वच्छ जल है वो क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। तवाकर्ण्य वीणा मदीना मदीन नदीनाम, आपकी वीणा को सुनकर ऐसा सब कुछ हो जाए। इसलिए हे माँ सरस्वती निनादय नवीनाम अये वाणी वीणा, आप अपनी वीणा को बजाइए। अभी हमने प्रस्तुत पाठ भारतीय वसंत गीति का सस्वर वाचन किया और उसका हिंदी अनुवाद किया। अब हम पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए करते हैं अभ्यास के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं प्रस्तुत पाठ भारतीय वसंत गीति का अभ्यास। प्रश्न संख्या एक, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें एक पद में उत्तर देना है। आइए शुरू करते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या क, कवि ही काम संबोधयति। कवि किसको संबोधित करता है? तो प्रस्तुत गीत में कवि किसे संबोधित कर रहा है? निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, अर्थात कवि माँ सरस्वती को संबोधित कर रहा है। तो उत्तर क्या होगा? कवि ही वाणीम संबोधयति। इसका एक पद में उत्तर लिखना है तो हम लिखेंगे वाणीम। ख, कवि ही वाणीम काम वादितुम प्रार्थयति। कवि माँ सरस्वती को क्या बजाने की प्रार्थना करता है? तो एक बार दोबारा से उस पंक्ति को दोहराएंगे, निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, हे माँ सरस्वती आप अपनी वीणा को बजाइए। तो उसका उत्तर क्या होगा? वीणाम। ग,
कीदृशी वीणाम निनादे तुम प्रार्थयति, किस प्रकार की वीणा को बजाने की प्रार्थना करता है कवि? तो इसका उत्तर क्या होगा? नवीनाम, नवीनाम वीणाम निनादे तुम प्रार्थयति कवि, कवि नई वीणा को बजाने की प्रार्थना करता है। घ गीतिम कथम गातुम कथयति, गीतों को किस प्रकार गाने के लिए कहता है कवि? मृदुम गाय गीतिम, मधुर गीत गाने के लिए, मधुरता से गीत गाने के लिए कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है। अगला देखिए, सरसाह रसालाह कदाल संती, रस से भरे हुए आम कब सुशोभित होते हैं? वसंत समये, इसका उत्तर क्या होगा? वसंत समये। आइए प्रश्न संख्या दो करते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। अभी हमने कुछ प्रश्न किए थे, प्रश्न संख्या एक में जो प्रश्न थे उनका उत्तर एक पद में देना था, अब हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो आइए शुरू करते हैं। क कवि ही वीणा पाणिम किम कथयति, कवि ही वीणा पाणि को क्या कहता है, अर्थात माँ सरस्वती को क्या कहता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कवि ही वीणा पाणिम नवीनाम वीणाम निनादे तुम कथयति, कवि वीणा पाणी को नई वीणा को बजाने के लिए कहता है। निनादे नवीनाम ए वाणी वीणाम। प्रश्न संख्या ख वसंते किम भवति, वसंत में वसंत के समय पर, वसंत ऋतु के समय पर क्या होता है? तो इसका उत्तर क्या है? वसंते सरसाह रसालाह लसन्ति, वसंत समय में सरसाह रस से भरे हुए आम सुशोभित होते हैं, और कोकिलाह च कूजन्ति, और कोयल कूजती हैं, कुहू कुहू करती हैं। प्रश्न संख्या ग सलिलम तव वीणामाकर्ण्य कथम उच्छलेत, सलिलम जल तव तुम्हारी वीणामाकर्ण्य वीणा को सुनकर कथम उच्छलेत, किस प्रकार से उछले? इसका उत्तर होगा तव वीणामाकर्ण्य, तुम्हारी वीणा को सुनकर कांत सलिलम शांत शीतल जल भी सलिलम उच्छलेत, क्रीड़ा करता हुआ उछले। हे माँ सरस्वती निनादय नवीनाम ए वाणी वीणाम, आप ऐसी वीणा को बजाइए। अगले प्रश्न को देखिए। घ कवि ही भगवतीम भारतीम कस्याह तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति, कवि भगवतीम भारतीम भगवती भारती को कस्याह तीरे किस नदी के तट पर मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य फूलों से झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वीणा वादितुम कथयति, वीणा बजाने के लिए कहता है, किस नदी के तट पर बजाने के लिए कहता है? तो उत्तर क्या है, पाठ में आया है, कलिंदात्मजायाः सवानीर तीरे, कलिंदात्मजायाः, यहां पर कलिंदात्मजा किसे कहा गया है? यमुना नदी को। तो उत्तर क्या होगा? कवि ही भगवतीम भारतीम कलिंदात्मजायाः यमुनायाः तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुम कथयति, कवि भगवतीम भारतीम भगवती भारती को कलिंदात्मजायाः अर्थात यमुनायाः तीरे यमुना नदी के तट पर मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य फूलों से झुकी हुई पंक्ति को अवलोक्य देखकर वीणाम वादितुम कथयति, वीणा बजाने के लिए कहता है। प्रश्न संख्या तीन। क स्तंभे पदानि खह स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि, क स्तंभ के नीचे कुछ पद दिए गए हैं और ख स्तंभ के नीचे उनके पर्याय पद दिए गए हैं, पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तानि चित्वा पदानां समक्षे लिखत, उनको चुनकर दिए गए पदों के सामने लिखना है। देखिए क स्तंभ में कुछ पद दिए गए हैं, जैसे सरस्वती आम्रम पवनः त
तटे भ्रमराणाम। वहीं ख स्तंभ में भी कुछ पद दिए गए हैं जो क स्तंभ के पर्यायवाची हैं, जैसे तीरे अलीनाम समीरह वाणी रसालह। तो अब क स्तंभ के पदों के सामने उनके पर्यायवाची शब्दों को ख स्तंभ से चुनकर लिखना है। तो आइए इनमें से चुनते हैं। क स्तंभ में पहला लिखा हुआ है शब्द सरस्वती। सरस्वती का क्या होगा? माँ सरस्वती के सामने उनका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वाणी। दूसरा देखिए आम्रम। आम्रम अर्थात रसालः। तीसरा पवनः। पवन का पर्यायवाची क्या होगा? समीरः। चौथा देखिए तटे। इसका पर्यायवाची क्या होगा? तीरे। पांचवा भ्रमराणाम। भ्रमराणाम अर्थात भ्रमर भंवरे। इसका पर्यायवाची क्या होगा? अली नाम। प्रश्न संख्या चार करते हैं। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत। अधोलिखितानि नीचे लिखे गए पदानि पदों को प्रयुज्य प्रयोग करके संस्कृत भाषया संस्कृत भाषा में वाक्य रचनाम कुरुत। वाक्यों की रचना कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे हमें संस्कृत वाक्य बनाने हैं। तो आइए उन शब्दों को पढ़ते हैं। पहले निनादय मंद मंदम मारुतः सलिलम सुमनः। आइए अब इन शब्दों का अर्थ जानकर इनका संस्कृत वाक्य रचना करते हैं। आइए अब इन शब्दों का अर्थ जानकर इनसे संस्कृत वाक्य बनाते हैं। निनादय जिसका अर्थ है बजाओ। वाक्य प्रयोग क्या होगा? ऐ वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। हे वाणी नई वीणा को बजाइए। दूसरा शब्द है मंद मंदम जिसका अर्थ है धीरे धीरे। इसका संस्कृत वाक्य क्या बनेगा? पवनः मंद मंदम वहति। पवन मंद मंद बहती है, धीरे धीरे बहती है। हवा वायु धीरे धीरे बहती है। अगला शब्द देखिए मारुतः जिसका अर्थ है वायु। वाक्य प्रयोग कीजिए। मारुतः वेगेन वहती। मारुतः वेगेन वहती अर्थात वायु वेग से बहती है। अगला शब्द देखिए सलिलम जिसका अर्थ है जल। सलिलम शीतलम अस्ति। जल शीतल है, ठंडा है। सुमनः सुमनः अर्थात पुष्प फूल। सुमनः विकसति फूल खिलता है। आइए प्रश्न संख्या पांच की ओर चलते हैं। प्रथम श्लोकस्य आशयम् हिंदी भाषया आंगल भाषया वा लिखत। पहले श्लोक का आशय हिंदी भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो प्रस्तुत पाठ का पहला श्लोक कौन सा था? मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लसन्ति हसरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनाम ऐ वाणी वीणाम। तो इस श्लोक का आशय स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत श्लोक का आशय यह है कि ऋतुराज वसंत के आगमन पर आमों में बोर आ जाता है, जिससे आम रस से भरे हुए और सुशोभित प्रतीत होते हैं। कोयले कूकने लग जाती हैं। ऐसे मनमोहक वातावरण में कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती आप नई वीणा को बजाएं और सुंदर एवं नीतियुक्त कोमल गीत गाएं, जिससे प्राणी मात्र के जीवन में नई प्रेरणा का संचार हो सके। प्रस्तुत गीत में कवि प्राणियों के जीवन में नई प्रेरणा का संचार करने के लिए माँ सरस्वती से आह्वान करता है। प्रश्न संख्या छः। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं जिनका विलोम पद हमें लिखना है। तो आइए
पहला पद दिया गया है कठोरम, जिसका अर्थ है कठोर। इसका पर्याय पद क्या होगा? कोमलम अर्थात कोमल। ख कटु अर्थात कड़वा, इसका विलोम शब्द क्या होगा? मधुरम अर्थात मधुर। ग शीघ्रम, शीघ्रम अर्थात जल्दी। चिरम अर्थात देर में। घ प्राचीनम, प्राचीन, इसका विलोम क्या होगा? नवीनम नया। नीरसः, नीरसः जिसमें कोई रस ना हो, इसका विलोम शब्द क्या होगा? सरसः अर्थात रस से भरा हुआ। तो ये था पाठ भारती वसंत गीत, एक ऐसा गीत जिसमें माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए और प्रत्येक प्राणी के जीवन में एक नई प्रेरणा, नए उल्लास का संचार कर दीजिए। नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।